छछरौली खंड के गांव बरोली के पूर्व सरपंच की पत्नी ने उसके पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने व भरी पंचायत में उसके पति को अपमानित करने और जाति सूचक शब्द कहने की शिकायत दी है, जिस पर छछरौली पुलिस ने एससी एसटी एक्ट के व आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। छछरौली पुलिस को दी शिकायत में बरौली निवासी शिक्षा देवी ने बताया कि वह गाँव की पूर्व सरपंच रह चुकी हैं और अनुसूचित जाति से संबंध रखती हैं। 25 मई 2021 को उसके पति को शाम 7 बजे फोन करके बरौली माजरा में पंचायत में आने के लिए कहा गया, जहाँ पर गाँव के निवर्तमान सरपंच के पिता हरिंदर सिंह मोड़ेवाला भी पहले से मौजूद थे। महिला ने बताया कि निवर्तमान सरपंच के पिता चुनाव के दौरान से ही उसके पति रामचंद्र से द्वेष की भावना रखते थे। हरिंदर सिंह ने उसके पति को पंचायत में सबके सामने जाति सूचक शब्द कहे और अपमानित किया। उसके पति को अपने पास से जूता निकालकर भरी पंचायत में उसको मारा, जिससे आहत होकर उसके पति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और बिना कुछ खाए पिए ही सो गए। बड़ी मुश्किल से परिवारजनों ने मिलकर दरवाजा खोला तो उसका पति रोने लगा, लेकिन इस बारे में परिवारजनों को कुछ नहीं बताया। 31 मई 2021 को उसके पति रामचंद्र सुबह 4 बजे अचानक घर से निकले और 5 बजे उसके गांव के लोगों ने आकर बताया कि रामचंद्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया और रिश्तेदारी व गांव वालों ने मिलकर आपसी सहमति उसके पति का संस्कार कर दिया। घर आकर उसके रिश्तेदारों व उसके बेटों ने उसके पति के कागजात आकर देखे तो उसमें रामचंद्र द्वारा लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि उसकी मौत का जिम्मेदार हरिंदर सिंह मोड़ेवाला है। महिला की शिकायत पर छछरौली पुलिस ने हरिंदर सिंह मोड़ेवाला के खिलाफ धारा 306(3) एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत जी गढ़ जम रहा, सरदार भी थे जी, क्या पता क्या बात हुई। इन्हें कहा सुनो जी, अपनी बहू भी जाड़ दी, अब दूसरे की लड़कियों ने भी काटना चाह रहा जी, कहा जो मन नहीं पता था भी लड़के के बारे में, कहीं के बारे में पंचायत हुई और उसके ऊपर जी बेइज्जती करी, जूता काट दिया दूसरे बंदे ने, माजरे वाला ने रोक के जी। वो तो पंचायत में किसने बुलाया था, सरपंच ने? सरपंच ने बुलाया होगा, कह का फोन करके दिल जान ने बुलाया था जी, जो जो मौजूदा सरपंच है। हाँ जी। अच्छा, फिर जब पंचायत से आए तो कैसे रहने लगे वो, क्या कोई टेंशन होती? तो बहुत बुरा हाल थी, चक्कर आएगा गिर गया मैं गली में, सारे गाँव ने पता जी, इतना बहुत बेचैनी, अपने सिर भी छेत्या ना, कुछ खाए 8 दिन पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं खाया, बस हाथ जोड़ रहता मेरी गलती माफ करियो, मेरी टेंशन इतनी दूर, इतना बहुत बुरा आ गया तो पता, तो पागल बन गया था कतई, मन तो देखती नहीं क्या करे, मैं तो दौरा भी लगन दे रहा था। सरपंच साहब, जो आत्महत्या की है यहाँ के सरपंच ने, उसके एलिगेशन आप ऊपर लगे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये जो रामचंद्र जी की मौत हुई है, हाँ जी, ये क्या मामला है? देखो, मैंने तो मामले के बारे में इनको कोई पता नहीं है, ना मेरे को कोई इनका रंजस, ना कोई लेन ना देन, मेरे को कोई इनके मामले का कोई ना कोई किसी की कोई किसी तरह की बात का मेरे को पता इसका। जो भी कराया है आप सारे गाँव में इंक्वायरी कर सकता हूँ, अगर कोई किसी तरह के डाउट हो मेरे मुंह से नहीं, सारे गाँव से पता कर सकूँ। सरपंच साहब, उनको रामचंद्र जी को किस लिए बुलाया गया था पंचायत में? वो उन्हीं ने बुलाया गया, इसके लड़के का और माजरे वो लड़की का आपस में लिंक है दोनों का, उस बारे में पंचायत हुई है माजरा, मेरे को तो लड़की वाले बुला कर लेगी, ठीक है ना, ये भी मौके पर था, दोनों जो दोनों पक्ष बुलाने आए थे जब मैं वहाँ गया। तो कोई जूता जाता मारने की बात, कोई किसी के जूते मारने की, इतने पंचायत गाँव भर जा कभी आज तक जूते मारने की बात करी हो, वो सरपंच तो थे को दुश्मन बुला लिया उसका भी जाएगा। उन्होंने ऐसी बात कही कि वहाँ पे जो है सरपंच जी ने उनकी बेइज्जती करी, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं, मैंने इसकी कोई बेइज्जती नहीं करी, मेरे के लिए तो अच्छी प्रेम प्यार इनका सारा कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, और मैं तो इसके घर भी जाकर आया, कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे को आज तक कोई डाउट है इससे का। तो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं है? जो आरोप जो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि सरपंच जी ने करी, जो आप ऐसा है, आप सारे गांव के अंदर इंक्वायरी कर सके, मेरे से तो आपको सच्चाई नहीं मानेंगे, आप सारे गांव के अंदर पता कर सकते।